नवंबर को एमपीसी की बड़ी बैठक, आरबीआई ने एमपीसी की एडिशनल बैठक बुलाई है। महंगाई कंट्रोल करने के उपायों पर चर्चा हो सकती है। ये बड़ी खबर है। ब्याज दरों की भी एक बार फिर से समीक्षा हो सकती है। आपको बता दें, सितंबर में 7.41 रही थी रिटेल महंगाई दर, और इसी को लेकर आरबीआई ने एमपीसी की एडिशनल बैठक बुलाई है जो 3 नवंबर को होगी। तो महंगाई को कंट्रोल करने के उपायों पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है, ये बड़ी खबर है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। अंकुर, सबसे पहले ये बताइए कि आखिर आरबीआई ने जो ये एमपीसी की एडिशनल बैठक बुलाई है, इसके मायने क्या है? जी, मार्केट में कई कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो शेड्यूल्ड मीटिंग थी 5 से 7 दिसंबर, उससे पहले ये एडिशनल मीटिंग क्यों बुलाई है। आपने रिलीज में देखा होगा कि ये लिखा हुआ है कि एडिशनल मीटिंग है, यानी कि शेड्यूल मीटिंग अभी भी 5 से 7 दिसंबर को वो रहेगी, लेकिन उससे पहले जो 3 नवंबर को एमपीसी की एक बैठक होने वाली है। अब अमूमन ये होता है कि जब इस तरीके की मीटिंग बुलाई जाती है जो कि शेड्यूल नहीं होते हैं, कोई एक इम्पॉर्टेंट एक्शन होता है, तभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस तरीके की मीटिंग बुलाता है। पिछली बार आपको याद होगा मई के महीने में, एग्जैक्टली 4 मई को ये बैठक बुलाई गई थी और बताया गया था कि हमारे जो रेपो रेट है उसमें 4.4% से बढ़कर वो 4.4% हो गया था, यानी कि 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई थी रेपो रेट में। तो इस बार भी मार्केट का कयास यही है कि शायद रेपो रेट में कोई बढ़ोतरी होनी है। आप कि जो मेंबर्स हैं वो फ्रंट लोडिंग चाहते हैं। फ्रंट लोडिंग का सीधा साधा मतलब यही है कि अगर रेट बढ़ने ही हैं तो पहले से उनको बढ़ा के रखा जाए ताकि जो इम्पैक्ट है वो बाद में फील किया जा सके। कई सारे इकोनॉमिस्ट ने जो माना था वो कि टर्मिनल रेपो रेट, यानी कि वो रेट जहां तक रेपो रेट बढ़कर उसके बाद बढ़ाने की गुंजाइश ना हो और इन्फ्लेशन काबू में आए, तो वो 6.5% माना जा रहा था। अब देखना यह होगा कि जो बैठक होने वाली है 3 नवंबर को, वहां पर कोई बढ़ोतरी होती है रेपो रेट में, और अगर होती है तो वो फ्रंट लोडिंग जारी रहेगी। और टर्मिनल रेपो रेट के पास अगर हम दिसंबर में ही पहुंच जाते हैं तो क्या उसके बाद यहां पर एक पॉज होगा, यानी कि अब कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। जो महंगाई आपने देखी होगी पिछले 9 महीने से लगातार, जो आरबीआई का टॉलरेंस बैंड है 6%, उसके ऊपर बढ़ती जा रही है। तो इसी को काबू करने के लिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स यही कयास लगा रहे हैं कि शायद इस बार एमपीसी मेंबर्स रेट बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं।